हेलो गाइस, लेक्चर 8 में हम स्टडी करते हैं वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स हमारे पास वो वाली वैल्यूज होती हैं जो वेरी कर रही हैं, यानी चेंज हो रही हैं। यूज्ड फॉर इंस्ट्रक्शंस, लेबल्स, प्रोसीजर्स, नेम्स एंड वेरिएबल्स नेम्स। वेरिएबल्स नेम्स के रूल्स होते हैं कि हम किस तरह वेरिएबल्स के नेम क्रिएट कर सकते हैं और कौन से ऐसे करेक्टर्स होते हैं जो हम यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि नेम्स कैन बी फ्रॉम 1 to 31 करेक्टर्स लॉन्ग, मे कंसिस्ट ऑफ लेटर्स, डिजिट्स एंड स्पेशल करेक्टर्स। इफ़ अ पीरियड डॉट इज़ यूज इट मस्ट बी द फर्स्ट करेक्टर। नेम मे नॉट बिगिन विद अ डिजिट, यानी डिजिट के साथ आप लोग ना कभी भी वेरिएबल्स का नेम क्रिएट नहीं कर सकते असेंबली लैंग्वेज पे। एम्बेडेड ब्लैंक्स आर नॉट अलाउड, यानी कभी भी ब्लैंक्स नहीं होने चाहिए वेरिएबल्स के नेम में। ये लीगल वेज हैं कुछ, और कुछ इलीगल नेम्स हैं जो कि साइड पे दिए गए हैं। ये वाले जो है लीगल्स नेम्स हैं जो हम लोग इस तरह नेम वेरिएबल्स के नेम क्रिएट कर सकते हो। ये इलीगल है कि आप लोग ऐसे वेरिएबल्स के नेम क्रिएट करोगे तो वो कोड एरर जनरेट कर देगा। नेक्स्ट है कमेंट। असेंबली लैंग्वेज में भी कमेंट्स हैं, जैसे सी प्लस प्लस और पाइथन में है। कमेंट्स फील्ड अ स्टेटमेंट इज यूज बाई अ प्रोग्रामर टू से समथिंग अबाउट वट द स्टेटमेंट डज। अ सेमी कॉलन मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ दिस फील्ड, यानी जो भी आपने चीज़ कमेंट करनी है आपने सेमी कॉलन लगा के और साथ में जो स्टेटमेंट कमेंट करनी है वो उसके आगे लिख देनी है, तो वो चीज़ कमेंट हो जाएगी और जो कंपाइलर हमारा होगा उसे इग्नोर करेगा। जैसे जो कंपाइलर जो जो हमारा कंपाइलर होगा वो उसे इग्नोर करेगा। तो असेंबली लैंग्वेज में हमारे पास असेंबलर होता है, तो असेंबलर उस लाइन ऑफ इंस्ट्रक्शंस को इग्नोर कर देगा। उसके बाद है डाटा टाइप्स। एलोकेटिंग स्टोरेज स्पेस फॉर इनिशियलाइज्ड डाटा। जब कोई हम वेरिएबल्स का नेम क्रिएट करते हैं ना, तो उसका रूल्स क्या है? सबसे पहले वेरिएबल्स का नेम लिख दें, फिर उसके बाद डिफाइन डायरेक्टिव। डायरेक्टिव क्या है ये पहले नीचे आए, सबसे पहले डायरेक्टिव पढ़ लेते हैं। 5 टाइप्स ऑफ डायरेक्टिव्स होते हैं। डिफाइन बाइट जो कि एलोकेट करता है 1 बाइट, फिर डिफाइन वर्ड जो कि एलोकेट करता है 2 बाइट, डिफाइन डबल वर्ड जो कि एलोकेट करता है 4 बाइट्स, डिफाइन क्वाड जो कि एलोकेट करता है 8 बाइट्स, फिर डिफाइन टेट्रा बाइट है जो कि एलोकेट करता है 10 बाइट्स। इसके जो ज़्यादातर हमारे पास यूज़ होगा ना, जो डिफाइन बाइट है वो स्ट्रिंग्स डाटा टाइप्स के लिए यूज़ होगा, फिर डिफाइन वर्ड और डिफाइन डबल ये दोनों इंटीजर्स वैल्यू के लिए ज़्यादातर यूज़ होगा। अब इसके बाद देखते हैं कि हम वेरिएबल्स कैसे क्रिएट करते हैं, यानी वेरिएबल्स क्रिएट करके उसकी डिक्लेरेशन कैसे करते हैं। वेरिएबल्स डिक्लेरेशन कैसे करते हैं कि सबसे पहले वेरिएबल्स का नेम लिखते हैं, फिर डिफाइन डायरेक्टिव यानी हम डिफाइन बाइट में क्रिएट करना चाहते हैं या डिफाइन वर्ड में, फिर अगर हम वैल्यू को इनिशियलाइज़ करवाना चाहते हैं तो वो हम इनिशियल वैल्यू लिख सकते हैं। नेक्स्ट है बाइट वेरिएबल। डिफाइन बाइट क्या करता है कि हमें, जैसे डिफाइन बाइट हमने पढ़ा कि हमें एलोकेट करता है 1 बाइट, ऐसे ही नेम लिखते हैं वेरिएबल्स नेम, डिफाइन बाइट, फिर इनिशियल वैल्यू, फिर नीचे एक एग्जाम्पल है, यानी डिफाइन बाइट आपने किया फिर उसको कोई भी इनिशियल वैल्यू दे दी। अगर इनिशियल वैल्यू आपने देनी है वो इनिशियलाइज कर दें, अदरवाइज आप क्वेश्चन मार्क भी लगा सकते हैं। इसके बाद करेक्टर स्ट्रिंग है, यानी जब भी आपने करेक्टर स्ट्रिंग मूव करवानी है ना, यानी करेक्टर स्ट्रिंग वेरिएबल्स में वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करवानी है, तो आप डिफाइन बाइट का यूज़ करते हैं, डिफाइन बाइट डायरेक्टिव का यूज़ करते हैं। एन एरे ऑफ आस्की कोड्स कैन बी इनिशियलाइज्ड विद द स्ट्रिंग। बेसिकली जो हमारे पास स्ट्रिंग्स होती हैं वो एक करेक्टर होती है, तो बेसिकली करेक्टर्स के जब हम बात करेंगे तो हम उसको स्टोर करवाएंगे डिफाइन बाइट में, और नीचे इज इक्वलेंट टू है, यानी 41H ये हेक्साडेसिमल है ए की फॉर्म, फिर 42H बी की फॉर्म है, फिर 43H है वो सी की है। ऐसे ही हम ना इस तरह भी वेरिएबल्स को क्रिएट, यानी इस तरह भी स्ट्रिंग मूव करवा सकते हैं और इस तरह भी स्ट्रिंग मूव करवा सकते हैं। नेक्स्ट हम कोड करके चेक करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं कि एक वेरिएबल बना लेते हैं वार वन, डिफाइन डी डी का मैं वेरिएबल, डिफाइन डबल का वेरिएबल बनाता हूँ और उसके अंदर मैं कुछ भी नहीं करता। फिर उसके बाद मूव ई एक्स में मैं वैल्यू मूव करवा देता हूँ। पहले मैं वेरिएबल्स में मूव वेरिएबल वन मैं मूव करवा देता हूँ 5, देन मैं वो वेरिएबल वन की जो वैल्यू है वो मैं दे देता हूँ ई एक्स को, देन कॉल डंप रेक्स करके मैं चेक कर लेता हूँ। क्या एरर आ रहा है?
अच्छा वो इंक्लूड वाली फाइल मैंने ना गलती से डेल कर दिया, इंक्लूड अरवाइन 32.inc, ये एरर आ रहा था। बिल्ड करते हैं देन डिबग। अब आप देखेंगे तो ईएक्स में मैंने पहले वेरिएबल्स में मूव करवाई 5, फिर मैंने वो जो 5 वेरिएबल 1 में गया है फिर मैंने ईएक्स में मूव करवा दिया। इधर देखिए ईएक्स में 5 शो हो गया। अब मैं एक स्ट्रिंग मूव करवाता हूँ, एक स्ट्रिंग बनाता हूँ str1 बाइट और इसमें हेलो वर्ड मैं लिख देता हूँ। जब भी आपने स्ट्रिंग के साथ डील करना है तो स्ट्रिंग के लास्ट पे कामा और ज़ीरो लाजमी लिखना है। ये क्या करता है कि नीचे वाला जो कोड होता है उसको स्ट्रिंग बनने से सेव करता है। यानी अगर आप कामा और ज़ीरो ना लिखेंगे तो नीचे वाला जो कोड होगा असेंबलर क्या करेगा कि वो सबको ही स्ट्रिंग मानेगा, इसलिए आपने कामा और ज़ीरो लाजमी लिखना है। अब मैं क्या करता हूँ, इस स्ट्रिंग को मूव, मैं जब भी आपने स्ट्रिंग डिस्प्ले करवानी है तो आपने वो स्ट्रिंग को ईडीएक्स रजिस्टर में मूव करवाना है। जैसे पिछले हम ना लेक्चर में भी देखा था कि जब भी हम स्ट्रिंग के साथ काम करते हैं कौन सा हम रजिस्टर्स मूव करते हैं, यानी किस रजिस्टर्स के साथ काम करते हैं, ईडीएक्स। मैं क्या करूँगा, ऑफसेट मूव करवाऊँगा str1 का, देन कॉल राइट स्ट्रिंग एक स्टेटमेंट है जो क्या करती है कि ईडीएक्स में जो कुछ भी होगा ना, यानी क्या मैं मूव करवा रहा हूँ स्ट्रिंग, यानी ईडीएक्स में जो कुछ भी यानी स्ट्रिंग आ गई है तो वो क्या करेगा, इस स्ट्रिंग को डिस्प्ले करवा देगा। अब रन करके चेक कर लेते हैं। फाइनली ये देखें हेलो वर्ड हमारा प्रिंट हो गया। तो लेक्चर 8 में इतना ही था, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखें।